हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए बाउंटी हंटर की गेम प्ले वीडियो लेके आ चुका हूँ। और जब भी मैं बाउंटी बनता हूँ तो बेटर तो आता ही है, और ये गेम में भी बेटर आया हुआ है और रेड जा रहा है लाइट फिक्स करने के लिए। तो मेरे को लगा रेड बेटर होगा और अचानक वो मुड़ गया एडमिन में। फिर भी मैं यहाँ पर रेड को खेल नहीं करने वाला, क्योंकि यार बेटर है। जब तक लाइट फिक्स नहीं होती तब तक मैं रेड को नहीं मारूंगा, क्योंकि लाइट ऑफ में अगर आप किल करोगे तो सब लोग बेटर किल समझ के निकाल देंगे। और मेरा पार्टनर ब्लू को मार दिया, वहाँ पे स्टोरेज में भाग गया। और लाइट ऑन होने के बाद बेटर को मारिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि बेटर आता है गेम में तो शुरू में लाइट ऑफ में मत मारिएगा, लाइट ऑन होने के बाद मारिएगा। और जैसे मैंने मारा मेरे को लगा चलो हो गया बेटर किल, लेकिन नहीं, ऑरेंज ने वहाँ पर रिपोर्ट किया था। तो चलो देखते हैं मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है। डॉक्टर मैं बेटर हूँ, मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं था कांच में डॉक्टर था, मैंने गलती से रिपोर्ट कर दी, माफ कर दो, मैं बेटर हूँ, माफ कर दो, पर शक नहीं है, मैंने गलती से रिपोर्ट। अब यहाँ पे मेरे पे माइक आता है तो मैंने बोला था कि बेटर किल हो सकता है, अगर कोई बेटर जिंदा है तो बोल दो। अब ये खुद बेटर बोल रहा है तो भाई यही इसने बेटर किल किया होगा। और सियान सेफ है क्योंकि अभी सियान मेरे साथ ही इलेक्ट्रिक में लाइट ऑन करने आया था। मेरी बात सुनो, मैं सिक्योरिटी कैमरे में था, मैंने देखा कि पर्पल जंपी लगा के भागा कैफेटेरिया से मेडिकल का। पर्पल तुम क्या करके भाग रहे थे मुझे ये बता दो पहले, और ये बेटर शायद से फेल दिया मेरे को तो भी वही लगा। भाई ये ऑरेंज ने बेटर मारा होगा, फिर बोल रहा मैं खुद बेटर हूँ, ठीक है ऑरेंज को निकाल दोगे। पहले ऑरेंज को कर दो भाई, ब्लैक जैक है, कैसे कैसे बोल रहा है। तो यहाँ पर लगता था कि ऑरेंज ने बेटर को मार दिया है, लेकिन वो खुद बेटर है और यहाँ पे ब्लैक जैक की वजह से रोल ड्रॉप नहीं कर सकते भाई, इसी वजह से ब्लैक जैक बहुत ही ओवर पावर्ड है। और यहाँ पे ऊपर से मैं बाउंटी बना था और यहाँ पे ऑरेंज को वोट आउट करके निकाल दिया। देखो ब्लैक जैक और बाउंटी हंटर दोनों ही डेडली जोड़ी है इंपोस्टर में, क्योंकि तुरंत ही गेम वो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बाउंटी स्टार्टिंग से ही बाउंटी करना स्टार्ट कर देता है। मैंने तो बहुत सारे बंदे को देखा है, अरे बहुत सारे के 99% बंदे तो स्टार्टिंग में ही बाउंटी किल स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बाउंटी किल स्टार्ट नहीं किया था, रेड को ही मारा था, क्योंकि यार बेटर आता है मेरी गेम में तो हर बार बेटर आता है बाउंटी बनता हूँ तो, नहीं तो जोकर आता है, या तो बेटर को मार देता हूँ या तो फिर जोकर आखिर में गेम जीत जाता है। अब ये गेम में तो जोकर आया नहीं था और बेटर था, उसको तो निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे जंपी लगा के अपने बाउंटी सियान पे जा रहा था, लेकिन बीच में मुड़ गया क्योंकि वहाँ पे कैमरा की लाइट ऑन थी, तो जो सिक्योरिटी में बैठा होगा वो मेरे को देख लेगा। हो गया सत्यानाश, मेरा पार्टनर मर चुका है। अब या तो पर्पल ग्लूटोनी होगा या तो शेरिफ होगा, वार्डन नहीं हो सकता क्योंकि वार्डन होता तो मेरे पार्टनर को वो कस्टडी में लेता तो मेरे पे वो पॉपअप वाला मैसेज आ जाता। बॉडी रिपोर्ट क्यों करना होता है पर्पल तुम्हें? अरे और एक और बात, जब किल हुआ था तो फिर मैं तो सिक्योरिटी कैमरे पे नीचे जाता था, सिक्योरिटी में एक बंदा था, सिक्योरिटी में कौन था, सिक्योरिटी कैमरे में कौन बैठा हुआ था, हम सब दिखाओ, सिक्योरिटी में कौन बैठा हुआ था, हम सब दिखाओ। अरे देखो ये पर्पल ने बोला था इसके पास मेडबे, लेकिन ये मेडबे दिखाने की जगह पता नहीं कहाँ जा रहा है। बाकी कैमरे में कोई था और मैं नेविगेशन वाले कैमरे में था, ठीक है सिक्योरिटी में आई गेस ब्राउन या ग्रीन में से कोई था। तो फिर ग्रीन और मैं सब तो सेफ हो जाएंगे और येलो भी सेफ हो जाएगा क्योंकि येलो कैमरा में था। बच्चा पर्पल और ब्राउन अभी के लिए पर्पल को वोट करके निकाल दो। तो सबसे पहले तो सियान के लिए बुरा लगा कि सियान को कोई आंसर ही नहीं दे रहा है भाई, वहाँ पे ग्रीन सीक्रेट में बैठा हुआ है वो बोल नहीं रहा है। देखो भाई ऐसे वोटे स्पेस क्रू, यहाँ पे मैं अकेला इंपोस्टर बचा हूँ और बाकी के स्पेस क्रू है, फिर भी सियान को आंसर नहीं दे रहे भाई, मेरे सारे ऐसा बहुत बार हो चुका है सियान, ठीक है। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो भाई मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं बोलता हूँ बंदों को कि भाई कौन किधर था, लोकेशन बोलो, फिर भी कोई कुछ बोलता ही नहीं है और फिर गेम हार जाते हैं, तो फिर मेरे को तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उन लोगों की रैंक माइनस होती है। अब मैं यहाँ पे ना रिएक्टर बुला लेता हूँ क्योंकि अब मेरे को फटाफट से किल करके गेम ख़त्म करना था, क्योंकि अब मेरी बारी है, ये लोग मेरे को ही वोट आउट करने वाले थे, मेरे को पता चल गया था। अब यहाँ पे ना मैं सियान के साथ ठीक करने आया था, फिर मैंने सोचा कि चलो मेरा बाउंड्री तो बहुत दूर है तो मैं सियान को ही मार देता हूँ,
लेकिन इतने में मेरा बाउंटी आ जाता है तो मैं फिर से ऊपर चला जाता हूँ, और ये मैं यहाँ पे ठीक नहीं करता तो येल्लो वहाँ पे मुड़ के चला जाता है। और मेरे को थोड़ा आइडिया लग गया था कि येल्लो सर्वाइवल होगा, क्योंकि पिछली मीटिंग में वो बोला था कि वो नेविगेशन के साथ खड़ा था, और देखो यहाँ पे येल्लो आ ही नहीं रहा है। उसे पता चल गया कि मैं इम्पोस्टर हूँ। इतने में रिएक्टर फट जाता है। मेरे को येल्लो का रोल चेक करना है कि सर्वाइवल ही था ना। ओके, तो येल्लो हमारा सर्वाइवल ही था। यहाँ पे वो चाहता था वो सील ऑन करके आ सकता था, लेकिन वो भी रिक्स नहीं लेना चाहता था, इसलिए यहाँ पे वो भी नहीं आया। वैसे भी उसको पता ही था कि मैं रिएक्टर ठीक करूँ या ना करूँ, जीतने तो मैं वाला ही हूँ। और यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे आप सभी का रोल भी चेक कर सकते हैं। चलो दूसरी गेम देखते हैं। रोल्स की बात करें तो यहाँ पे हिप्नोटिस्ट और सर्वाइवल है न्यूट्रल में, और मेरा पार्टनर स्पाई है, और टाइम मास्टर है, और बेटर, मैंने बोला था ना बेटर आता ही है। मैं जब भी बाउंटी बनता हूँ तो बेटर गेम में होता है या तो फिर जोकर आता है। तो इस बार पर्पल लाइट फिक्स करने नहीं गया तो मैंने पर्पल को मार दिया। अब मेरी दूसरी बाउंटी थी कैफेटेरिया में, तो मैं उसी तरफ जा रहा था, लेकिन ये एडमिन मैप ओपन हो रहा था, वेंट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे फाइनली वेंट में मैं से बाहर निकल के कैफे में आया। मैंने यहाँ पे ग्रीन को मारा। अब यहाँ पे पिंक साइड से ऑफलाइन था, वो यहाँ पे ही खड़ा है। और मेरी तीसरी बाउंटी यहाँ पे ऑरेंज पे आई थी, अब वो सिक्योरिटी या तो मेडिबी की साइड होगा। ओके, सिक्योरिटी में है। इतने में ग्रीन की बॉडी रिपोर्ट हो जाती है कैफेटेरिया में, ब्लू ने रिपोर्ट की है। तो चलो देखते हैं ब्लू क्या बोलता है मीटिंग में। ओके, अभी कोई कैमरा पे था, उसने मेरे को ऊपर जाके देखा होगा, मैंने फिर रिपोर्ट कर लिया। मैं जैसे जा रहा था मेरी बॉडी दिख रही। तो यहाँ पे मेरे पार्टनर ने तो माइक स्किप कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं स्किप नहीं करता। मैंने यहाँ पे बोला स्टार्ट कर दिया था कि येल्लो सेफ है, येल्लो ने वहाँ पे कार्ड स्वाइप किया था, तो येल्लो को सेफ मार्क कर लो। और सिक्योरिटी में जो बैठा होगा उसने भी देखा होगा कि मैं और येल्लो एडमिन से बाहर निकले हैं। और अगर बेटर किल है तो फिर ब्लू को निकालो, यहाँ पे कोई बेटर है तो बोल दो, नहीं तो इसने बेटर को मार दिया होगा। देखो मैं तुम लोग का वो हूँ, मैं तुम लोग का क्या कहते हैं वो, मैं गरीब हूँ। अब कौन पकड़ के ले गया इसे, अपना वज्जक हूँ। अरे बाबा, मैं किसी को गेस्ट लूं अभी यार ना लूं, ऑरेंज सिक्योरिटी में था, मेरे को क्यों, अभी देखो अभी इलेक्ट्रिकल में फिट किया था वाइट ना, अभी वो मेरे बगल से क्या कुछ रहे थे, अभी वो मरा हुआ है, मतलब किसी ने तो उसको मारा है, किसी ने तो वाइट को मारा है। मैं ब्लू को हिप्नोटिस्ट गेस्ट लूं क्या? अरे हिप्नो नहीं तो इम्पोस्टर भी तो हो सकता है। इतने सारे काटने वाले देख लिया ना, आखिर मेरे को लग रहा है ये वाला मैच हार जाएंगे। क्या बात है। अब यहाँ पे येल्लो ने उम्मीद ही छोड़ दी थी, उसे लगा था कि नहीं जीतने वाले, और ब्लू को वोट आउट कर दिया क्योंकि इन लोगों को लगा कि ब्लू ने बेटर मार दिया है। लेकिन पिंक अपना बेटर है, उसने बोला था मीटिंग में, तो मैंने उसको बेटर मार्क करके रखा है। अब मेरे को ना पिंक को छोड़ के बाकी किसी को भी मार सकता हूँ। वैसे तो यहाँ पे ब्लू को बेटर किल समझ के निकाल लिया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं पिंक को नहीं मारूंगा। और वैसे भी मेरी बाउंड्री यहाँ पे सियान पे आई है, और यहाँ पे मैं कैफे का गेट क्लोज करता हूँ। जैसे ही डोर ओपन होंगे मैं यहाँ पे सेबोटास दे दूंगा और फिर किल करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सेबोटास मैप ओपन कर रहा था, इतने मेरे पार्टनर ने ऑटो का रिएक्टर बजा दिया, और मेरा जो बाउंटी था वो सियान, वो पहले एडमिन में गया फिर ऊपर वाले ऑटो पे गया, तो मैं भी उसके पीछे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जंप भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे भाई पोर्टेबल बैरल अचानक से मेरे पार्टनर ने डाला होगा, तो मैंने यहाँ पे सियान को मार दिया, और यहाँ पे मेरा पार्टनर यहाँ पे पिंक का कलर लेके पिंक को ही मार दिया, और यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाती है। अब पिछली गेम के मैंने रोल नहीं दिखाए क्योंकि मेरी मर्जी, मेरे को नहीं दिखाने। अब यहाँ पे तीसरी गेम भी है, वो भी देख लो। और रोल्स की बात करें तो स्वैपर, वार्डन, वाइजेक अच्छे आए हुए हैं, और न्यूट्रल में काइटो आया हुआ है, और ग्लूटोनी है, और मेरा पार्टनर कंजूरर है, और मेरी पहली बाउंड्री यहाँ पे ग्रीन पे है। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ग्रीन अकेला जाएगा मैं उसको मार दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन को मार दिया, और मेरी दूसरी बाउंड्री यहाँ पे नेविगेशन या तो एडमिन में होगी। ओके, एडमिन में है और वाइट पे है, और इतने में पर्पल और रेड यहाँ पे सील में, भाई क्या कर रहे हैं भाई तुम दोनों छुपके। तो इतने में ग्रीन की डेड बॉडी रिपोर्ट हो जाती है, और पर्पल ने रिपोर्ट की है। तो चलिए देखते हैं अब मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है। वाह बाउंडी, बड़ा खेल लिया अच्छे से भाई, ये लोगों निकालो ठीक है ना, साला मेरे को भी मारने आ रहा था साला, जान तो ये लोग निकालो भाई, स्टोरेज में इसने मार दिया, फिर नीचे मेरे को लगा फिर मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मैं थोड़ा गया फिर मेरे पीछे, फिर मैं ऊपर गया भाई, फिर मैंने देखा बॉडी है भाई, मेरे को मार देगा, फिर मैंने रिपोर्ट कर दूँ भाई। हाँ ये डॉक्टर है नहीं गेम में, तो मैंने अच्छा बाउंडी अच्छा रिपोर्ट कर दिया। हाँ ये लोगों निकालो भाई, और मैं हैक करके देखा कि येल्लो बाउंटी है, और ये जो ब्राउन है ना, ये ब्राउन अपना वाइट जैक है ठीक है। मैं हैकर हूँ, मैं हैक करके सब देख लिया, येल्लो अपना बाउंटी हंटर है, ग्रीन को मारा था,
स्टोरेज के ऊपर जिधर वायर फिक्स करते उधर मारा था, और ब्राउन अपना वाइट जैक है। तब यहाँ पे मेरे पे माइक आया था, लेकिन मेरे को याद नहीं मैंने यहाँ पे क्या बोला था, लेकिन शायद से मैंने ये बोला था कि रेड और पर्पल दोनों सेफ है, वो दोनों शील्ड में छुपे हुए थे और मैं भी वहीं पे था, रेडियो सेंटर में से शील्ड में गया था। अरे मेरी बात सुनो, मैं ना एडपी वाला टास्क कर रहा था, कार्ड स्वाइप वाला, तो वहाँ पे ना ये पिंक खड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो स्कैन कर लेता हूँ इसको, मैं सिक्योर हूँ। तो मैंने स्कैन किया भाई, फ्रैक्शन न्यूट्रल आया, मेरे को ग्लूटोन ही लग रहा है, मेरे को शायद से प्लूटोन ही लग रहा है, ये प्लूटोन ही हो सकता है ये, तो पिंक को निकाल दो, पिंक न्यूट्रल है, पहले इंपोस्टर को निकाल दो, फिर उसके बाद भाई इसको निकाल देना ग्लूटोनी को, उसके बाद ग्लूटोनी को निकाल देना। तो यहाँ पे मेरे पार्टनर की बहुत ख़राब किस्मत थी, उसको यहाँ पे बिना फोकट का यहाँ पे निकाला जा रहा है, यहाँ पे मैंने किल किया था। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है मीटिंग में। ओके, मेरे पार्टनर पे वोट डाल लिया और यहाँ पे सीधा स्वैप गया ऑरेंज पे। अब यहाँ पे जो भी स्वैपर था वहाँ पे वो बाद में लास्ट में बहुत गाली खाएगा अगर उसे पता चलेगा कि येलो इंपोस्टर ही था। अब यहाँ पे ऑरेंज तो नॉट इंपोस्टर लिख के आया है, मतलब स्वैपर को अब पड़ने वाली है गालियाँ लास्ट में। तो यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट होती है और मैं कैफेटेरिया का डोर क्लोज करता हूँ। जैसे ही डोर ओपन होगा मैं लाइट ऑफ करके किल करना स्टार्ट कर दूँगा। मेरी बाउंटी है रेड पे और रेड अपना वार्डन है और वो मेरे आसपास ही घूम रहा है। अरे भाई साहब, ब्लिंक अपना ग्लूटोन ही था, मैंने पिंक को मारा तो वाइट उसके अंदर से बाहर आ गया, लेकिन गेम ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे गेम हम जीत चुके हैं और येल्लो यहाँ पे इम्पोस्टर था। तो अब यहाँ पे सब लोग स्वैपर की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि स्वैपर ने बहुत ही अच्छा काम किया था और यहाँ पे हमको MVP मिल चुका है। वैसे बाउंटी हंटर अगर लास्ट तक जिंदा रहता है तो उसी को ही MVP मिलती है, और यहाँ पे आप सभी का रोल भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये बाउंटी हंटर की गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल पर जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny imposter.